विधानसभा में आज जर्जर एनीकट का मामला गूंजा, जल संसाधन मंत्री ने जांच कराने की घोषणा की। प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने को लेकर रायपुर में हुई कार्यशाला, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों के साथ किया विचार विमर्श। ईओडब्ल्यू और एसीबी के नए महानिदेशक वीके सिंह ने प्रभार संभाला, विभागों में चल रही विभिन्न जांच की रिपोर्ट मांगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कल होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, दुर्ग में मास्टर ट्रेनरों को दिया गया निर्वाचन प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। कोरबा में एसईसीएल की ओर से हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित करने के मामले में कार्यपालन इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। विधानसभा में आज जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने यह घोषणा की। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने प्रदेश में कथित रूप से घटिया एनीकट निर्माण का मामला उठाया। इसके जवाब में मंत्री रविन्द्र चौबे ने घोषणा की कि एनीकट निर्माण की प्रदेश भर में जांच होगी और इसकी शुरुआत जांजगीर से की जाएगी। आज जल संसाधन विभाग के अनेक प्रश्नों में माननीय सदस्यों ने प्रदेश में विगत 5-7-10 सालों में निर्मित एनीकट, उसके गुणवत्ताहीन विहीन बनने, उसमें भ्रष्टाचार होने और बरसात में ढह जाने की शिकायतें थी अलग अलग प्रश्नों में। विशेष रूप से आज 2-3 प्रश्न जांजगीर जिले का लगा था। माननीय सदस्यों का कहना था कि इसमें विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, आसंदी से भी इस बात का निर्देश दिए गए, तो मैंने आज सदन को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के एनीकट बने हैं, जहां जहां की शिकायतें हैं, संपूर्ण उसकी जांच कराई जाएगी। उसकी शुरुआत हम जांजगीर जिले से करेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन में कहा कि प्रदेश के जितने भी एनीकट जर्जर हैं, उन सभी की जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद मंत्री रविन्द्र चौबे ने जांच कराने की घोषणा की। विधानसभा में आज प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हो रही लगातार मौत का मुद्दा प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने जोर शोर से उठाया। शून्यकाल में भाजपा के शिवरतन शर्मा ने यह मुद्दा उठाते हुए स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लगातार मौत हो रही है और सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है, लेकिन राज्य में इसका असर नहीं दिख रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में 10 से ज्यादा मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो चुकी है और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वाइन फ्लू से जो मौत हुई है, उसमें एक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अधिकारी महेंद्र जांगड़े भी सम्मिलित है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समुचित व्यवस्था करना चाहिए, केंद्र की सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है इस विषय पर प्रदेश की सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों को बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, प्रदेश में इससे निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अभी ऐसी चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। ज्यादातर केसेस जो हैं, करीब करीब 95% केस ऐसे ही आ रहे हैं कि जो कहीं बाहर गए और आए और उनको बीमारी हो गई। राजनांदगांव से भी बात आई, रायपुर से भी, जहां आना जाना लोगों का ज्यादा रहता है, इन क्षेत्रों से ये चिंता की बात सामने आ रही है। अपने ओर से सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि लोगों को जागरूक भी रखे और उपचार में कहीं भी इस प्रकार की कमी ना हो, वैक्सीन की कमी ना हो, और आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो। इससे पहले सदन में संस्कृति मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर सदन गंभीर है और इस पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर का रोडमैप बनना शुरू हो गया है। इसके लिए प्रदेश की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों के साथ मंथन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू करने, शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने, पर्याप्त संख्या में दवाइयों की उपलब्धता और सभी लोगों को निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कार्यशाला में कहा कि प्रदेश की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावी बनाकर यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जिन ऑपरेशनों और बीमारियों के इलाज की सुविधा शासकीय अस्पतालों में नहीं होगी, उसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों की सेवाएं भी ली जाएंगी। पिछले दिनों भिलाई में मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा था कि स्वास्थ्य सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, लोगों तक तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी शुल्क के पहुंचे, इसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर के जरिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सबसे बड़ी सोच जो आज के दिन कांग्रेस पार्टी की है और जो बजट में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत कर दिया है, वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर यानी जो भी शासन की वर्तमान योजनाएं उपलब्ध हैं, उनसे आगे जाकर सभी नागरिकों के लिए उपचार सुलभ और पब्लिक इकाइयां जो हैं, गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं, उनके माध्यम से मिल सके, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यशाला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। सुकमा में बस्तर पुलिस ने आज माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस दौरान जवानों ने माओवादियों के कई ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। जवान को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय जगदलपुर लाया गया है। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस बल, डीआरजी की संयुक्त टीम को इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आज सुबह यह ऑपरेशन चलाया। सुकमा जिले के दरेल के जंगलों में यह अभियान जारी है। माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार गोलीबारी होने की भी खबर है। इस ऑपरेशन में 1200 से अधिक जवान लगे हुए हैं। अभी भी यह मुठभेड़ जारी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के नए महानिदेशक वीके सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अब तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने उन्हें प्रभार सौंपा। प्रभार ग्रहण करने के बाद पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने कहा कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी कानून नहीं तोड़ पाए। डीजी वीके सिंह ने प्रभार लेने के तुरंत बाद अधिकारियों की बैठक बुलाई और विभागों में चल रही विभिन्न जांच की जानकारी मांगी। सभी अधिकारियों को पहले ही अब तक हुई कार्रवाइयों की जांच रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहा गया था। बैठक में डीजी वीके सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में कल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस बीच चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा सेक्टर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दुर्ग में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश स्तरीय मास्टर ट्रेनरों ने सेक्टर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनरों को मतदान की सभी प्रक्रियाओं के साथ ही ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जो सेक्टर अधिकारी हैं, वो चुनाव के दिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ के कंट्रोल रूम और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो मतदान का पूरा काम चल रहा है मतदान केंद्रों में, उसके बीच के, तो इसलिए इनकी ट्रेनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मैंने स्वयं भी उसका निरीक्षण किया और सभी से बात किया है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। आज हम अपने ज़िले में जो 113 मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से मतदान दलों की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। तीन चरणों में मतदान दलों की ट्रेनिंग होगी, तो उनकी पूरी ट्रेनिंग करने का जिम्मा जिन मास्टर ट्रेनर्स को दिया जाना है, वैसे 113 मास्टर ट्रेनर का चयन करके आज उनकी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद मास्टर ट्रेनर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आपसी प्रेम और विश्वास छत्तीसगढ़ के समाज की शक्ति रही है। उन्होंने गांव में मितान बंधने की लोक परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि इससे नागरिकों और समाज के बीच का बंधन और मजबूत होता है।
मुख्यमंत्री कल दुर्ग जिले के भिलाई में सर्व समाज द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मजबूत शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। भिलाई की पहचान एक एजुकेशन हब के रूप में है और यहाँ के युवा अच्छी शिक्षा पाकर देश विदेशों में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। भिलाई के एजुकेशन हब की तरह ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी समाज के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में एक नाबालिग स्कूली छात्रा ने जागरूकता दिखाते हुए न केवल अपना विवाह रुकवाया बल्कि बाल विवाह के खिलाफ अपने ही परिजनों की शिकायत पुलिस में की। यह मामला घुघरा गांव का है। इस बालिका का विवाह 28 फरवरी को तय कर दिया गया था। शादी के कार्ड भी गांव में बंट गए थे। बालिका के समझाने पर जब परिवार वाले नहीं माने तो उसने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद महिला बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण और विशेष किशोर पुलिस की एक टीम गांव पहुंची और परिजनों को बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दी और शादी के कार्ड भी जब्त कर लिए गए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि टीम ने गांव के स्कूल जाकर बालिका की उम्र की भी जांच की है। बालिका ने जिस तरह सूझबूझ का परिचय दिया और अपना बाल विवाह रोकने में सफल हुई, इस कार्य के लिए महिला बाल विकास विभाग की टीम ने उसे धन्यवाद प्रेषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज जर्जर एनीकट का मामला गूंजा, जल संसाधन मंत्री ने जांच कराने की घोषणा की। प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने को लेकर रायपुर में हुई कार्यशाला, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों के साथ किया विचार विमर्श। ईओडब्ल्यू और एसीबी के नए महानिदेशक वीके सिंह ने प्रभार संभाला, विभागों में चल रही विभिन्न जांच की रिपोर्ट मांगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कल होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, दुर्ग में मास्टर ट्रेनरों को दिया गया निर्वाचन प्रशिक्षण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अब से थोड़ी देर में विधानसभा समीक्षा। विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रदेश भर में घटिया एनीकट निर्माण और स्वाइन फ्लू जैसे मामले जोर शोर से उठे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बस्तर विश्वविद्यालय और दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा। सदन में आज मंत्री मोहम्मद अकबर, डॉ शिव कुमार डहरिया और अनिला भेड़िया के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। सदन में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के सदस्य देवव्रत सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए कोरबा के अंतर्गत एसीसीएल के द्वारा हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके जवाब में विभागीय मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्यपालन इंजीनियर को निलंबित करने की घोषणा की, साथ ही मामले की जांच के लिए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर किए गए काम की भी जांच होगी। वहीं जांजगीर चांपा में हसदेव नदी पर बने एनीकट के बह जाने का मामला सदन में उठा। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि हसदेव नदी में पीथमपुर से हथनेवरा के बीच सोठी एनीकट घटिया निर्माण होने की वजह से बह गया। विधायक के सवाल पर जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में जांच का ऐलान किया। उन्होंने कहा एनीकट की मरम्मत की जा रही है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच होगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी एनीकट बने हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने टूटने वाले हैं, इसकी भी समीक्षा की जाए। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आसंदी के निर्देश का पालन किया जाएगा। शून्यकाल में विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने स्वाइन फ्लू से हो रही मौत के मामले में स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा कि यह मामला गंभीर है, इस बीच आसंदी से व्यवस्था आई कि इस पर चर्चा कराई जाए।
मंत्री मोहम्मद अकबर के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जन घोषणा के अनुरूप बजट में प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में खनन और अन्य मामलों का भी जिक्र किया। इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।